बीएसपी चीफ शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से चुनावी तालमेल को अपनी बहुत बड़ी भूल बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर भी एक बड़ा इशारा किया है। शिवपाल का ये इशारा बीजेपी से समझौते से जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर शिवपाल यादव अभी खुलकर नहीं बोले हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में अब सपा से कोई भी तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी से तालमेल से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ भी तय नहीं है, वैसे भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। शिवपाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर तालमेल की बाबत सवाल पर उन्होंने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस से संभावित गठजोड़ के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बहुत पहले मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हुई थी, लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश के साथ उनका अनुभव बहुत कड़वा रहा, हमें कई बार धोखा मिला, हमने सपा से बेहतर संबंधों की उम्मीद में 5 साल गवा दिए। इस विधानसभा चुनाव में एक सीट पर मान जाना मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन हमारी मजबूरी भी थी, हमारा सिंबल जब्त हो चुका था। हम अब अखिलेश के बारे में बात नहीं करना चाहते, पर एक बात तय है कि अगर उन्होंने हमारी बात मानी होती तो आज यूपी में सपा सरकार होती। उन्होंने हमें स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया, अगर चुनावी दौरे के लिए हेलीकॉप्टर दिया होता तो हर सीट पर सपा को 20,000 वोट अतिरिक्त दिला दिया होता। अब अपनी पार्टी संगठन मजबूत कर रहा हूँ, यादव समाज को एकजुट करने का काम भी यदुकुल मिशन के जरिए चलता रहेगा, दोनों काम साथ साथ होंगे। वहीं एक सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि डीपी यादव सियासी तौर पर भी उनके साथ आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग सभी सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 सीट पर लड़े थे, इस बार उससे ज्यादा लड़ेंगे।